प्रयागराज के प्रथम पुरुष के रूप में विख्यात महर्षि भारद्वाज की जयंती आज बड़े ही आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर भारद्वाज चौराहे पर स्थित महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा पर साधु संतों ने पूजन किया। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा से लेकर संगम तट तक निकाली गई। शोभा यात्रा का नगर भ्रमण भी कराया गया। शोभा यात्रा में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्री महंत यमुनापुरी महाराज ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम जब वन गमन के लिए अयोध्या से निकले थे तो पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे थे। प्रभु श्री राम ने महर्षि भारद्वाज का आशीर्वाद लेकर वन गमन की आगे की यात्रा पूरी की थी। इसके बाद प्रभु श्री राम ने असुर साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। उनके मुताबिक प्रयागराज विद्युत परिषद की ओर से पिछले कई वर्षों से महर्षि भारद्वाज की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष भी इस यात्रा का आयोजन संगम तट तक किया जा रहा है। इस शोभा यात्रा में सभी अखाड़ों के संत महंत और शहर के गणमान्य नागरिक शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा है कि महर्षि भारद्वाज ज्ञान और विज्ञान दोनों क्षेत्रों में निपुण थे। उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया था। आज उनके ग्रंथों पर फिर से शोध की जरूरत है ताकि उनके ज्ञान का देश को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। महर्षि भारद्वाज जी का जयंती उत्सव है। प्रयागराज के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी सम्भ्रांत नागरिक यहाँ आज उपस्थित होते हैं। यह यात्रा यहाँ से लेकर के और संगम तक जाती है। रास्ते में आलोपी देवी मंदिर आदि जितने धार्मिक स्थल पड़ते हैं उन सब पे इनका भव्य स्वागत होता है। और महर्षि भारद्वाज का नाम लिए बिना भारतीय ऋषियों का इतिहास अधूरा रहता है। महर्षि भारद्वाज जी भारत की ऋषि परंपरा में बहुत ऊंचे पद पे आरूढ़ एक महर्षि है, जिनका भगवान श्री राम ने भी आशीर्वाद प्राप्त किया वनगमन के समय, और जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके आए तब भी आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः वो अयोध्या में गए। तो ऐसे महर्षि को हम सब सत नमन करते हैं। वो महर्षि भारद्वाज जी से आरंभ हुआ है। यहाँ रामायण आदि काव्य की रचना भारद्वाज जी महाराज के हाथ से ही शुरू हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी के कृपा पात्र हुए भारद्वाज जी, और सामाजिक विद्या की समरसता का आरंभ भारद्वाज जी से हुआ है। इसलिए त्रिवेणी, माधव, भारद्वाज, नाग वासुकी, अक्षय वट ये यहाँ अस्तित्वपूर्ण है, और इनके अस्तित्व की स्थापना का यहीं से संचालन हुआ है। इसलिए महर्षि भारद्वाज जी की आज यात्रा। महर्षि भारद्वाज जी यहाँ प्रयागराज के जनक रहे, और वो प्रथम बिना विमान के प्रणेता रहे, आयुर्वेद के जनक रहे। प्रयागराज इस धरती में उनका आश्रम था, और बहुत ही जो विशाल यहाँ पर विमान बना के उन्होंने उड़ाया था। और भारद्वाज जी की यात्रा में आज यह शोभा यात्रा प्रयागराज से निकालकर भारद्वाज आश्रम से संगम तट तक जाएगी और वहाँ आरती होगी। एक कार्यक्रम श्री सांडिल जानकी शरण दास महाराज।